दो बच्चों को आप इनको अलग अलग स्कूलों में डाला नहीं है सर, आपने? ये तो यहाँ जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं ये सिर्फ यहाँ धार्मिक तालीम देने के आए हैं आपके बच्चे, ये किसी ऐसे दूसरे नहीं स्कूल में होता कि नहीं। आप सिर्फ धार्मिक नहीं तालीम मैडम देंगे, कैसे जब बच्चा होगा, 24 घंटे रह रहा है तो मैथ्स का पढ़ाना भी आपका ही है धर्म, और साइंस पढ़ाना भी और इंग्लिश पढ़ाना भी, कहाँ नहीं जाएगा? एक मिनट रुकिए, अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि उन्होंने जैसे बोला वो साइंस इसलिए बोल रही हैं कि बच्चे की प्रगति, हिंदी इसलिए बोल रहे हैं कि इस देश के नागरिक हैं तो हिंदी भी जानेंगे, या कल किसी जगह पे वो जाएंगे कुछ, तो कोई बात ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी चीज़ों को वो समझ लें। एक हमारा जो एक राष्ट्रीय भाषा है हमारी, ये राष्ट्रभाषा है, तो इस राष्ट्रभाषा को अगर हम नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताइएगा, आप मुझे खुद समझा दीजिए। इसीलिए हम आपको, आप बोल रहे हो नहीं, ये बच्चे जो है, ये जो यहीं रहते हैं बच्चे जो आसपास के घरों में रहते हैं, ये वही बच्चे अपने अलग अलग स्कूलों में भी पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बच्चे अलग स्कूल में पढ़ते हैं फिर यहाँ धार्मिक तालीम लेने आते हैं, कोई बुराई नहीं है उसका। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम अपनी राष्ट्रभाषा से भी अनभिज्ञ होंगे, जिसको कि बहुत गौरव से हम लोग बोलते हैं, तो अगर हम अपनी भाषा को भी नहीं सीखेंगे तो कैसे चलेगा? धर्म के साथ में क्या हम लोगों पर पाबंदी है? तो फिर आप वही बात आप कही, दूसरी बात इन्होंने कहा साइंस की बात, इन्होंने कही इंग्लिश की बात, इसलिए कही कि इनकी तरक्की, अगर आप अपने धर्म के प्रति, संस्कृत जो हमारे यहाँ संस्कृत आश्रमों में भी जो संस्कृत पढ़ते हैं गुरुकुल्स में, या वो बच्चे संस्कृत के साथ साथ में उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में रहती थी, इसलिए जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ ज़रूरी है उर्दू, आप पता है आपको, तो हम उर्दू हम लोग पढ़ते थे, लेकिन उर्दू के साथ साथ हम बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते थे, तो उससे क्या हुआ, हमारा ज्ञान वर्धन ही हुआ ना, ज्ञान घटा तो नहीं? अगर हम कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा ज्ञान दे देंगे तो उससे क्या बुराई होगी? मैंने तो बुराई नहीं, मैंने कहा कि हमारे लिए एक्स्ट्रा, आपने ये कहा सिर्फ यहां नहीं जी शिक्षा लेने आए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे भाई साहब। आपको मेरा आपसे बिल्कुल वो अनुरोध है, आप इनको एक्स्ट्रा भी ज्ञान दीजिए। जो सब बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ मौलवी बनना, क्यों नहीं ये बच्चे डॉक्टर बनना चाहते? एक बात सुनिएगा, आपको धार्मिक ज्ञान लेना कोई बुराई नहीं है, उनको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनका आप थोड़ा ज्ञान वर्धन करें, विकास की ओर ले जाए। आप अगर लोग सूरज पे और चांद पे पहुंच गए, ठीक है, हमारे जो संस्कृत में जो हमारे आचार्य जी हैं, हमारे जो आचार्य हैं वो लोग भी सारे सब्जेक्टों को भी पढ़ते, वो भी सीखते। सुनो, ऐसा नहीं है कि एक आचार्य नहीं बनते, सारे आचार्य नहीं बनते। अगर एक मौलवी को इंजीनियरिंग का ज्ञान हो तो क्या दिक्कत है? हमारे आचार्य को भी, हमारे आचार्य, अब जो आप बोल रहे हैं कि अगर आचार्यों को भी, अगर हमारे गुरु ग्रंथ साहब के जो हमारे गुरु पढ़ाते हैं, अगर वो और भी एक्स्ट्रा ज्ञान ले लेते हैं, या हमारे जो क्रिश्चियन समाज से आते हैं, अगर वो कोई ज्ञान ले लेते तो कोई बुराई बुराई कुछ नहीं, कोई बुराई। लेकिन मैं ये है ना बात, देखिए एक बच्चा MBBS की तैयारी कर रहा है, एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, अगर हम MBBS वाले को भी गए तो इंजीनियरिंग भी पढ़े, ये बच्चों की मर्जी, ये बच्चे अगर नहीं बनना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं ये बच्चे तरक्की करें, ये बच्चे, ये बच्चे तरक्की करें। लेकिन ये है कि लोग कहाँ पहुँच गए, हम सूरज चांद की बात वहाँ तक पहुँच गए, उससे आगे जाने की तैयारी में, और हम अपने बच्चों को अगर सिर्फ धर्म के नाम पे, मैं भी, अगर हम लोग भी अगर कोई चीज़ को हम कहेंगे नहीं 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 आपको ये करना, इसके आगे आपको इजाज़त नहीं है, तो वो चीज़ें हम अपने बच्चों की विकास को रोक रहे हैं। सिर्फ हमारा ये कहना, हम विकास को रोक रहे हैं। आप जरूर दीजिए इनको शिक्षा के साथ में, आप और भी चीज़ों का ज्ञान दीजिए, ये मेरा आप लोगों से राज भाई, NCERT का सिलेबस भी आप पढ़ाओ, पढ़ाओ साथ में, ये भी सिखाइए। चल नहीं पाता ना मैडम, दोनों कैसे नहीं चलता? हम भी अपने आपको सभी को करनी पड़ेगी, सभी धर्मों के लोग, हम लोगों के ऊपर भी कोई इस तरह के हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम लोग जो है सारे के सारे, हमें पूरी गीता का कंठस्थ होना चाहिए, रामचरित मानस होना चाहिए, लेकिन साथ में गीता सुनिए, हम गीता को भी, एक हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन हमको ये है कि हमारा ज्ञान वर्धन है, कि हम अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि को जाने, ठीक है? ले ये सारी चीज़ों के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग इन बच्चों को मत करिए अंधेरी कुटिया में, अंधेरी काली कोठरी में घुसा के कुछ नहीं मिलने वाला, इन बच्चों को आगे बढ़ने दो, ये फिरते हुए बच्चे, इन बच्चों को यहीं पे रोक दोगे तो हो गया, आप लोग पढ़ना चाहते हो, वैसे जानना चाहते हो,
देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है पढ़ना चाहते हो? सब पढ़ना चाहते हो ना सब? तो बच्चों अगर हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की किताब लगाएंगे, आप पढ़ोगे पक्का, तो आप लोगों को आगे भी बढ़ना चाहिए, अपने धर्म के साथ साथ और भी आगे ज्ञान लो, ले सकते हैं ना, और लेना भी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है? क्या होता है, क्या होता है अन्य देशों में, हमारे देश में, हम सारी चीज़ों का ज्ञान लेंगे ना, उससे क्या होगा, हमारा विकास होगा, और आप लोगों की विकास की जरूरत है, हमको हमारे बच्चे आगे बढ़ें ये हम चाहते हैं, ठीक है? मानोगे इस बात को? आप चाहोगे ना? नहीं, आप बताओ, आप खुद बताओ, कोई ज़बरदस्ती हम नहीं करें, आप खुद बढ़ाओ, पढ़ना चाहते हो ना, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, हैं? मौलवी जी को मत देखो, मैं तो देख रहा हूँ, ठीक है? उधर मत देखो, तुम अपने दिल से बताओ, ठीक है? चाहते हो ना? वेरी गुड, सब चाहते हो, विज्ञान भी पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ा सकते? मुझे बताया मैडम, हमारे यहाँ जो है जो बच्चा यहाँ आया वो अपना घर छोड़ गया है, वो धार्मिक तालीम दे रहा है, लेकिन इतना कर रहे हैं मुझसे बात तो उसे मैथ, इंग्लिश और हिंदी तीन सब्जेक्ट हैं, इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। ये जो हमारे ये तो सर आप पूरा उत्तराखंड में ओके सर पानी ये चीज पानी ये पानी इतनी ही तन्मयता अगर
बच्चे को जितना बताओगे।